नमस्कार दोस्तों, आज हम सूखी भेल बनाएंगे। चटपटी सूखी भेल, बिल्कुल ठेला स्टाइल घर पे बनाएंगे। साथ ही साथ इसकी चटनी भी जो है हम घर पे बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सूखी भेल की, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही हल्की। यहाँ पर जो है मिक्सी का जार लिया है, इसके अंदर मैं मुट्ठी भर से थोड़ा ज़्यादा धनिया डालूंगी। ये धनिया मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर दिया है और काट दिया है। थोड़े से डंडल रखे हैं इसके, कच्चे कच्चे हैं ये डंडल, ताकि चटनी में धनिया का स्वाद आए। पुदीना लेंगे थोड़ा सा हम, और उसको भी धो के साफ़ करके डाल देंगे मिक्सी के जार के अंदर। यहाँ पर एक कप जो है रोस्टेड चना दाल ली है। ये रोस्टेड जो है चना मिल जाता है बाजार के अंदर, ये बिना छिलके वाला है, तो वो लेंगे हम। और यहाँ पर जो है मिर्ची ली है 10-15 कटी हुई। ये मिर्ची जो है थोड़ी तीखी है, और यहाँ पर 7-8 जो मिर्ची लेंगे वो हम थोड़ी कम तीखी वाली लेंगे। तो इस तरीके से 15-20 आपको मिर्ची लेनी है, थोड़ी तीखी और थोड़ी कम तीखी, ताकि बैलेंस बना रहे चटनी में। यहाँ पर जो है करी पत्ता लेंगे। यहाँ पर सूखा करी पत्ता लिया है मैंने, आप चाहें तो ताज़ा करी पत्ते का इस्तेमाल कीजिए, उसमें स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा। अदरक लिया है एक टुकड़ा, उसको साफ़ कर दिया है धो के और टुकड़े कर दिए हैं उसके। एक चम्मच जो है जीरे का पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे। नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार, ये सेंधा नमक है जो कि खाने में इस्तेमाल होता है। साथ में काला नमक डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा, आधा चम्मच जितना हम इसके अंदर काला नमक डालेंगे। अब जो सारी सामग्री है, ढक्कन बंद करके हम मिक्सी के जार को बिना पानी के हमें इसको पीसना है। तो यहाँ पर जो है हमारी दरदरी से चटनी बन के तैयार हो गई है। इस चटनी को आप काफ़ी दिनों तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आपका मन हो तब सूखी भेल में इसको मिक्स कीजिए, और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इसको खाकरे के साथ में भी खाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चटनी बनके तैयार हो गई है। अब हम भेल बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो एक बड़ा सा बाउल लिया है, 2 कप इसके अंदर मुरमुरे डाले हैं। इसको आप मुरमुरा बोल सकते हैं, ममरा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। ये वाली भेल जो है बहुत आसान होती है, जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसके अंदर जो है दूसरी चटनियों की आवश्यकता नहीं होती, तो ये बहुत ही चटपटी सी होती है। और यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर कटा हुआ टमाटर और उबले हुए आलू को मैश करके डाल दिया है। कच्चा आम डालेंगे, अगर इस सीज़न में आपको कच्चा आम मिल जाता है तो वो ज़रूर डालिएगा। तो कच्चे आम से इसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। कच्चा आम डाल दिया है मैंने कटा हुआ, और साथ में जो है बॉम्बे मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास बॉम्बे मिक्सचर नहीं है तो आप चाहें तो कोई भी भुजिया चटपटी से इसके अंदर डाल सकते हैं। कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, वो अपने तीखेपन के स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब जो चटनी बनाई थी, हम 3 से 4 बड़े चम्मच जितनी चटनी डाल देंगे एक बार, उसके बाद चाहें तो आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये पपड़ियाँ जो हैं घर पर बनाई हैं, ये पपड़ी चाट के लिए पपड़ी बनती है, ये घर पर बनाई हैं। इसका वीडियो आपको आई बटन पे क्लिक करने से लिंक मिल जाएगा इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। साथ में हम इसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, और नायलॉन सेव डालेंगे जो कि बारीक भुजियाँ होती है। खटाई के लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर जो है चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला नहीं है तो आप जलजीरे का पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो है जीरे का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। कटा हुआ धनिया हम इसके अंदर डालेंगे। चाहे तो आप इसके अंदर जो है मूंगफली भी डाल सकते हैं, रोस्टेड या फिर तली हुई मूंगफली डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है। अब हम इसके अंदर जो है बाइंडिंग के लिए नींबू का रस डाल देंगे, क्योंकि सारी सामग्री सूखी है तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डाला है, ताकि खट्टापन भी आ जाए भेल के अंदर, और जो है सारे मसाले अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो यहाँ पर हाथों से हमने भेल को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके अंदर जो है सरसों का तेल भी डाला जाता है। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल नहीं डाला है, लेकिन आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं सरसों के तेल को। ये जो भेल है बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सूखी भेल। तो इस तरीके से बनाइए सूखी भेल घर पे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी, और किस तरह की भेल आपको पसंद है, सूखी भेल, गीली भेल। तो उसका गीली भेल का भी वीडियो हमने अपलोड किया है, तो देखिए रेसिपी और कमेंट बॉक्स में बताइए रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।